प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया कि उनके हाथ में सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया और अब उस भाई ने बताया कि उनका हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है। अब वो भले चंगे और बिल्कुल स्वस्थ हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। आप भी अपनी गवाहियों को हमें भेजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी गवाही को भेज सकते हैं और अपनी प्रार्थना निवेदनों को भेज सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर और हमारे दूसरे YouTube चैनल प्रेयर फॉर ऑल पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आप हमें टेलीग्राम पर भी अपने मैसेजेस को, अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और हमसे बहुत लोग इस प्रकार से सवाल पूछते हैं, हम प्रार्थना कहाँ पर करें? तो दोस्तों मैं आज आपसे कहना चाहूँगा, आप कहीं पर भी प्रार्थना को कर सकते हैं। आप अपने घर में, अपने काम करने वाले स्थान पे, अपने बिजनेस के स्थान पे, आप कहीं पर भी प्रभु से बातचीत कर सकते हैं, प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। और आप चर्च में जाकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु हर जगह उपस्थित है और प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने एक बार हमें प्रार्थना के विषय में सिखाया और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6:6 में प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह के बारे में बताया कि वहां पर जाकर आपको प्रार्थना करना है, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमेन। दोस्तों यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर और तब परमेश्वर से प्रार्थना कर, क्योंकि तेरा परमेश्वर गुप्त में रहता है, इसलिए वो तुझे गुप्त में ही तेरी प्रार्थना को सुनेगा और तेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एग्जाम्पल भी देते हैं कि बहुत से लोग हैं जो चौराहों पर प्रार्थना करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो अपने भीतरी कोठरी में जाना, दरवाजे बंद करना और गुप्त में अपने पिता से बातचीत करना, अपने पिता से प्रार्थना करना, तब वो परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुनेगा और तुझे प्रतिफल देगा। हाँ मेरे प्रियो, तो आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप वैसे तो प्रार्थना आप कहीं पर भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है, यदि आप बिजी हैं तो आप अपने जॉब के स्थान पर भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस करने वाले स्थान पर प्रार्थना कर सकते हैं, आप चलते फिरते प्रार्थना कर सकते हैं, आप घर से बाहर जाते समय प्रार्थना कर सकते हैं, आप खाते समय प्रार्थना कर सकते हैं, आप खाना बनाते समय प्रार्थना कर सकते हैं, आप कहीं पर भी प्रार्थना कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप सोते सोते भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप चर्च में जाकर प्रार्थना कर सकते हैं, आप दो तीन लोग मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं, आप फैमिली के साथ में प्रार्थना कर सकते हैं। परंतु यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने पिता से सही संबंध बनाऊं, मैं अपने पिता के और नजदीकी आऊं, मैं परमेश्वर की बातों को सुनूं, उसके इच्छा को जानूं, तो आपको चाहिए कि आप अकेले में प्रार्थना करें, यानी कि आप एक कमरे में जाएं, दरवाजे बंद करें और तब अपने पिता से बातचीत करें। हमने पिछली बार शाम की प्रार्थना में देखा कि प्रभु यीशु मसीह जंगल में अकेले प्रार्थना करने के लिए जाया करते थे ताकि वो परमेश्वर से गुप्त में बातचीत कर सकें। फिर अब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी ऐसे ही सिखाया, अकेले में प्रभु से बातचीत करना। मैं ऐसा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि हमें कहां पर प्रार्थना करना चाहिए। गुप्त में जाकर अपने पिता से बातचीत करें, लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर को दिखाने के लिए परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करें, गुप्त में उससे प्रार्थना करें, ताकि तुम्हारा पिता जो गुप्त में रहता है वो तुम्हें प्रतिफल दे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रार्थना करें। और मैं भी आपको प्रार्थना के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप पिता प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, अपने परिवार, अपने लोगों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी जिन्हें हम देखते हैं कि उन्हें प्रार्थना की जरूरत है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें। आइए हम सब एक मन होकर यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं ओ हमारे पवित्र 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 सेना
सेनाओं के प्रभु, ओ हमारे महामहिम दाहिने स्वर्ग में पिता के तू विराजमान है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। ऐश्वर्य और वैभव के वस्त्र पहनने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु तू कितना सुंदर है प्रभु, तू हमारा सृजनहार है प्रभु, हमारा पालनहार है प्रभु जी। और प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते कि तू हमारा याजक है, तू हमारा स्वामी है प्रभु, तू हमारा मित्र है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते लॉर्ड फादर। हम प्रभु आज की शाम में आपकी तारीफ करते हैं, हम सब भाई बहन मिलकर प्रभु, जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल है खुदा, सब आपके नाम को तारीफ दे रहे हैं प्रभु, सब आपके नाम की तारीफ कर रहे हैं प्रभु। और ये समय आपको भाता है प्रभु जब आपके लोग आपकी तारीफ करते हैं। ओ हालेलुया, सच में प्रभु तेरे पैर तो उत्तम पीतल के समान है प्रभु जी, तेरी आंखें प्रभु आग की ज्वाला के समान है प्रभु जी, और प्रभु तेरे हाथ छिदे हुए हैं प्रभु, तेरा हाथ सामर्थ्य है प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु यीशु। सच में मेरे खुदावन तू पवित्र है प्रभु जी, तू सनातन काल का ईश्वर है प्रभु, प्रभु तू दुष्ट पर विजय प्राप्त करने वाला प्रभु है, मृत्यु को हराने वाला, जीवन देने वाला प्रभु है पिता। तू ही तो मार्ग है, तू ही सत्य है और तू ही जीवन है प्रभु। आज की शाम में मेरे खुदावन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, शाम के समय के लिए प्रभु, जब हम आपके सामने प्रार्थना में शामिल है प्रभु, अपनी उपस्थिति से हमें भरने के लिए, अपने पाक रूप से हमें भरने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। होली स्पिरिट हमें गाइड करने के लिए धन्यवाद। हालेलुया, पवित्र आत्मा आज की शाम में मेरे परमेश्वर प्रभु हर एक के मन को पिता आप कायल करें कि वो अपने गुनाहों को पिता के सामने अंगीकार करें। हालेलुया प्रभु, आज प्रभु ऐसे पाप जो देखे अनदेखे पाप है प्रभु, उन सबको आपके सामने मान लेते हैं पिता, कि हमसे हर क्षण में गलती होती है प्रभु, आप हमें क्षमा करें। धन्यवाद पिता आज के सुंदर वचन के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि सच में प्रभु आप हमसे बातचीत करते हैं, आप हमें सिखाना चाहते हैं, आप हमें बढ़ाना चाहते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि सच में प्रभु आज हमने सीखा परमेश्वर कि हम कहां पर प्रार्थना करें प्रभु। जिस प्रकार प्रभु हमने आपके वचन को सुना कि आप चाहते हैं कि हम गुप्त में जाकर तुझसे प्रार्थना करें, क्योंकि जो पिता गुप्त में है वो हमारी गुप्त की प्रार्थना को सुनता है और हमें प्रतिफल देता है। हालेलुया प्रभु, तू प्रतिफल देने वाला, हमारी गुप्त की प्रार्थनाओं को सुनने वाला, हमारी ओर अपने कानों को लगाने वाला प्रभु है खुदावन तेरा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, भली वस्तुओं से हमें तृप्त करने वाला, हमारी जरूरतों को पूरी करने वाला, हम सबसे प्रेम करने वाला प्रभु है तेरा। धन्यवाद तेरा धन्यवाद उन तमाम आशीषों के लिए, उन तमाम भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, परिवारों में शांति आनंद देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सबके जीवनों में भरपूरी देने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं आज की शाम में, जब आपके बेटे बेटियों ने प्रभु ये सीखा है कि प्रभु वो गुप्त में आकर तुझसे प्रार्थना करें, मेरे प्रभु ऐसा जीवन आप इन्हें दे प्रभु कि पिता ये तेरी सुनने के लिए प्रभु जी भूखे और प्यासे हो प्रभु, ताकि ये गुप्त में जाकर प्रभु जी जो तेरे भेद की रहस्यमय बातें हैं प्रभु, उन बातों को सुन सके प्रभु, तुझसे अपने संबंध को और भी ज्यादा परिपक्व और मजबूत बना सके, ताकि परमेश्वर प्रभु वो उन सारी आशीषों को पा सके जो आपने उनके लिए रखे, जो प्रतिफल पा सके जो आपने उनके लिए रखा है खुदा। धन्यवाद प्रभु, आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन परिवारों के लिए जिन परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, जिन परिवारों में एकता की कमी है प्रभु जी, हाँ प्रभु प्रेम की कमी है पिता परमेश्वर, दूरियां हैं, जलन है, ईर्ष्या है, बैर भाव है प्रभु, ये सारी बातें इनके परिवारों से दूर हो जाएं यीशु के नाम से प्रभु। परिवारों में मेल मिलाप, प्रेम, कृपा, भलाई को आप दे मेरे परमेश्वर, और प्रभु हर एक जन प्रभु एक दूसरे से प्रेम करे खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु, और एक दूसरे की बुराइयों को प्रभु जी बखान न करे, परंतु उनके लिए ये प्रार्थना करने वाले हो सके, ताकि प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में उनके परिवार में कार्य हो सके प्रभु। हम ऐसी विनती आपसे करते हैं प्रभु जी, जिनका जीवन प्रभु जी पाप में है प्रभु, उनके जीवन के लिए आपसे विनती करते प्रभु, उनके जीवनों को आप बचाएं प्रभु, सही मार्ग पर उन लोगों को लेकर आइए प्रभु, और ताकि वो तो सच्चे परमेश्वर को देख सके खुदावन। दुष्ट ने जो उनकी आंखों को बंद कर दिया है प्रभु, पाप में ढाल दिया है प्रभु जी, नौजवान छोटे बच्चों को बुजुर्गों को प्रभु पाप में ढाल दिया प्रभु, आज हम आपसे विनती करते हैं पिता कि आज आप उनकी आंखों को खोलें। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है, आप उनके जीवन में कार्य करके उन्हें फेर लाइए प्रभु, और सत्य के मार्ग पर चलाइए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो कमेंट्स कर रहे हैं प्रभु इस समय मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज उनका जो भी निवेदन है प्रभु यीशु, आप उनके जीवन में कार्य करें, उनकी बीमारियों को दूर करें, उनकी चिंताओं को दूर करें, परेशानियों को दूर करें प्रभु। और प्रार्थना है खुदा
यकीन के परिवारों में आप कार्य करें प्रभु, इनके जीवन में आप कार्य करें, जो हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक में परमेश्वर हमें मैसेजेस करते हैं प्रभु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उनकी भी सुधि लीजिए परमेश्वर आज की शाम में प्रभु। जो बीमार अस्वस्थ हैं प्रभु, यीशु आपका वचन कहता है मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरे साथ मिलकर अपनी बीमारियों के लिए प्रार्थना करें, मेरे साथ मिलकर अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम मांगते हैं प्रभु इन भाई बहनों की चंगाई के लिए, मेरे प्रभु यीशु के नाम से प्रभु इनकी सारी बीमारियां चली जाएं, इनका सारा दर्द चला जाए मेरे प्रभु, ये चंगे हो जाएं यीशु के नाम से मेरे प्रभु। छोटे बच्चे जो बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह, उन्हें आप चंगा करें खुदा प्रभु। नौजवान जो बीमार हैं इस समय प्रभु और प्रार्थना सुन रहे, यीशु के नाम से चंगाई उनके शरीर में बहने लगे। बुजुर्ग जो बीमार है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। थैंक यू फादर प्रभु, आपने अपनी चंगाई को अपने बेटे बेटियों को दिया और उन्हें छू कर चंगा किया, उन्हें शुद्ध और पवित्र किया, उनके शरीर को पाक साफ किया प्रभु। धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद, हम सब कुछ आपके हाथों में देते। आज की शाम में अच्छी और मीठी नींद आप अपने लोगों को दें ताकि नया दिन वो आपके साथ में देखने वाले हो सके। यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते, हमारी प्रार्थना को, हमारी विनती को आपने सुना और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।